ভাবরে ভাবরে ভাগবত। Associate sponsor Sai Health Science College re padhiba o sabhin ko swasthya seva jogai da NBFC ICL Fincorp Limited Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Gurudevaya Om Namo Bhagavate Shishu Anantaya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम तुम्हें भजन कर से निताय गौर को भजन कर तांक नाम अमृतरे तुम हजि जाओ राति पाइबा मात्र के आमे माने कौन चिंता करुचे थरे आपण केबे बेले भाबिचंदी एक कथा को आपण भाबिबे निहाती बाबरे राति पाहि नथिबो पक्षीर बसारे पक्षी माने किचिरी मिचिरी शब्द करुथिबे कारण से माने उचनी त्यागी पशु पक्षी ठारु आरंभ करिकी वृक्ष तरु तृणलता सब बेले से माने आम पई त्याग करुछंती ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖୁସି ପାଇଛେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପାଇଛେ ସେ ଶାନ୍ତି ଠାରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ
आमे प्रकृति को धीरे धीरे नष्ट करी 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 जाउछु। जितेबेले आमे कोरोना समय रे समस्ते मास्क पिंधिले से मास्क जितेबेले आमे पूर्वरु देखुथुलु 5-10 वर्ष पूर्वरु देखुथुलु आमे भाबुथुलु ये कोण गोटे एमितिया मुहर कोण लगेछिन गोटे बड़ आमे आश्चर्य हे जाउथुलु किंतु समय आसिकी पहुँची गला समस्तंक मुहरे मास्क। पुणि किछि दिन पूर्वरु मध्ये गोटे भिडियोटे देखिथिलि जो भिडियोटीर मुख्य उद्देश्य थिला कोण ना पछरे अक्सीजेन सिलिंडर पकेइचन्दि मुहरे अक्सीजेन मास्क दिया जायछि अक्सीजेन नउचन्दि से तांको ऑफिस रे काम करचुन ऑफिस रे मिति लेखुचन्दि काहेकि माने देखुन्दु अक्सीजेन नेकि से लेखुचिन माने परिस्थिति एभळि एक गंभीर अवस्था को चाली आसुचि आमकु अम्लजान अभावर परिस्थिति को सामना करिवकु पडिवो। तेणु सेथिपाई निजे भागवत कही देछिनि पूर्वरु काष्ट पाषाण तरु तृणे अथवा शरीर प्रमाण माने एठी आमकु गोटे कथा विचार करिवकु पडिवो आम समस्तंकु भगवान आपण भाबिबेनि जे आनंद जोटी भगवान सेठी या सत्य किंतु आमे आनंद को आखि आगेर रखी जदि आमे आमर प्रकृति को नष्ट करि देबा परिवेश को नष्ट करि देबा तार प्रभाव ही आम ऊपर सीधा सळ पड़िबो। टंका थिबो कोटी कोटी टंकार संपत्ति आम पाखरि थिबो किंतु जंत्रणा आमे माने ही पाउथुबा तेणु आमको एबे ठारु सचेतन होबार अछि। जणे सचेतन मनीष थिले माँ कुंती निजे पिला मानंकु अनेक सांत्वना दउथिले। आज सुखदेव गुरु सुखदेव तांग पुत्र बत शिष्य परिगीत कहने परिगीत जे शुण तुम वंशधर कथा ये आउ कहा वंशर कथा रु तुम वंशधर कथा शांतनुंकर जो गोटे पुत्र चली गले एवं आउ जो गोटे पुत्र रहिले विचित्र वीर्य शांतनु आउ नहांती नथिबार कारण कौन ना सी निजा जो अनुताप करिले जे मो पाई मो पुओ आज पितामह भीष्म आज आजीवन ब्रह्मचारी रहिबाकु पड़िला एवं से आज एमानंकर दासत्व भली रहिबाकु पड़िबे को सामनारे अन्याय होतबो किंतु किछि कहि परुनथबो। जीवन रे सबुठारु कष्टसाध्य हैला जेतेबेले आमो आखि आगर अन्याय हुए जणे सत मनीष आखि रे आगरे अन्याय हुए कि से मनीषटा कहि पारे नाही एमिति एक समय कहा पाई आसीथिला ना विद्रोहंग पाई आसीथिला तेणुकरी विद्रोह कौन कले ना कहले मु मंत्री हवा मोर दरकार नाही किंबा मोर राजसिंहासन दरकार नाही किंबा ए राजमहल दरकार नाही मु ए सबु किछि परित्याग करि दे कि मु जंगल को जाउची से कृष्णंकर नाम भजन कीर्तन करिवि यो चुड़ भक्तर कथा भक्त हृदयर कथा। कि से दिन पितामह विष्णु दर गले पितामह विष्णु जाई पारिले नाही कले हस्तिनापुर राजसिंहासन दायित्व मो हाथ रे अछि जे सिंहासन रे बसिबो ताकू सुरक्षा दबार कर्तव्य होछि मोर मु जीवी कुआडे मु निरुपाय पितांकु कथा देछि वचन दे देछंती। काशी राजा गोटे स्वयंवर करिछंती स्वयंवर सब राजा माने आसीछंती किंतु हस्तिनापुर से विचित्र वीर्य को निमंत्रण करना जे शांतनु पुत्र द्वितीय पुत्र जे बंची शांतनु द्वितीय पुत्र विचित्र वीर्य गोटे पुत्र तो चलीगले किंतु ये जो गोटे पुत्र विचित्र वीर्य बंची कौन सी प्रकार कहीं निमंत्रण करना कारण सी अत्यंत दुर्बल सबुबले मद्यपान कर सबुबले अन्य मानंकु कु व्यवहार देखौछन्ती पिला माने आजिर युवपीढ़ी माने
ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଶାସନ ରହିବ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହିବ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତ ରହିବ ସେଇଠି ଜୀବନ ହିଁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ହେଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଭୟ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କାଶୀ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅମ୍ବା, ଅମ୍ବିକା, ଅମ୍ବାଳିକା ଏ ତିନି ଜଣ, ତେଣୁ କେହି ଡାକିନାହାନ୍ତି, ହସ୍ତିନାପୁରକୁ କେହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ତ ଘୋର ଅପମାନ। ଏଇ କଥା ଯାଇକି ମା ସତ୍ୟବତୀ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଆଉ, ହେଲେ ମା ମା ଯେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି କି କାହା ପାଖରେ ନା ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ, ମା ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର ଯେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପିତାମହ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ପୁତ୍ର ଦେଖୁଛ କାଶୀ ରାଜା ତାଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବିବାହଘର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟମ୍ବର ଡାକିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତିନାପୁର ଡାକିନାହାନ୍ତି, ହସ୍ତିନାପୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ମା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ କାଶୀ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଏକ ଅପରପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦେଖି ହସିଲେ। କେହି କେହି ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ହସିଲେ। ହସିବାର କାରଣ ଥିଲା ଯେ ଇଏ ତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏଠି ବିବାହର ସ୍ୱୟମ୍ବରକୁ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପାଟି ଚୁପ୍ କର, କାଶୀ ରାଜା ତୁମେ ଜାଣିଛ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ ଭାଇକି ନ ଡାକିକି ସ୍ୱୟମ୍ବର କେମିତି କଲ? ତେଣୁ କିଏ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ କର। ସମସ୍ତେ କେହି ବି ସାହସ କଲେନି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଗଲେ ତିନୋଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ, ତିନୋଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଲେ, ବାଟରେ ଅମ୍ବାଙ୍କ ଅମ୍ବା ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଅମ୍ବାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଲା, ସେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ଅମ୍ବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଯିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ସେ ରାଜା କହିଲେ, ନା ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି, କାରଣ ତୁମର ହାତ ଧରିକି ତୁମଠାରୁ ଜଣେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ବିବାହ କରିବି ତାହେଲେ ମୋତେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ମୋର ପ୍ରଜାମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ମନା କରି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅମ୍ବା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ, ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ମୋତେ ବିବାହ ହୁଅ। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, କହିଲେ ଇଏ କି କଥା, ମୁଁ ତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ବିବାହ ହେବିନି, ଯଦି ତମେ ବିବାହ ନ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସୁଥିଲ, ନା ମୁଁ ଭାଇ ପାଇଁ ଆଣିଲି। ସେଇଠି ମୋର ଅମ୍ବା କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜାଣିନ ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମନ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ପିତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତଳେ ପକାଇଦେଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଅମ୍ବା ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇକି ଗଲେ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ। ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହଘର ହେଲା, ଏବଂ ବିଚିତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାହଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଏପଟେ ଅମ୍ବା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ପରଶୁରାମ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ କୌଣସି ରାଜା ଏମିତି ନାହାନ୍ତି କି ଯିଏକି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ସ୍ୱୟମ୍ବରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଯିଏ ଭୀଷ୍ମ ଯିଏ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର, ମୋତେ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ, ମୋତେ ତ ଆଉ କେହି ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେଇ ମୋର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆପଣ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
परशुराम आसिलो युद्ध डाकरा देले। परशुराम कहते भीष्म को जे शिष्य तुम्हें ग्रहण कर ए कन्या को सी कहे ना गुरुदेव मु तो पितृसत्य पालन करो से कथा करें सत्य कर त्रिवार सत्य करें जी विधान बह न कर मो सहित युद्ध कर युद्ध कर गुरु सहित युद्ध चली परशुराम तले रही युद्ध कर भीष्म युद्ध करा घमाघट युद्ध चलला गुरु शिष्य भितर युद्ध चलला। भीष्म हूँ इच्छा मृत्युर वर पाई पिता तो कहीं मारी पारे ना सी हूँ गंगा पुत्र अमाप सामर्थ्यर अधिकारी सी हूँ देवव्रत पाखे सामर्थ्य अच्छी तेणुक गुरु पाखु हारीगले संसार प्रथम थर गुरु हारी जाइए ये परशुराम ही हारी जा शिष्य भीष्म कहीं जानी जे मो शिष्य से दिन परशुराम अम्मा को कहते मुँ को शिक्षा दे शिष्यत्व भाव ग्रहण करन्याय कर प्रिय सज्जन गुरु पाखे क्षमा भिक्षा करीष्म क्षमा भिक्षा कर भीष्म फेर आपटे परशुराम तपस्या क्षेत्र को फेरिले अंबा किंतु कहिले मु अग्निर ध्यास देवी एवं कही जाऊँ आपण को हे भीष्म मु पुणी आउ थरे जन्म हेबी एवं तुम मृत्युर कारण मुबी परवर्त समय आपण जानिथिबे महाभारत युद्ध समय रे शिखंडी ही थिले से द्रुपद कर कन्या बोली कहते कि सी हूँ शिखंडी देखु से जो आम बर्तमान जहाँ को कहचे तृतीय लिंग बोली आम कहचे तेणु से मध्य सम्मान दि जाऊला द्रुपद जिते राजा थे सेनापति भाव रखा जा जो माने थर्ड जेंडर बोली जहाँ को आम कहचु से प्रति जिते बड़े असम्मान तैयारी करा जाऊची से माने आमे मध्य देखुचु से माने बाट घाटरे मध्य रहुचंती भी समाज रे बंचिबार अधिकार अछि तांकपाई कर्म निजुक्ति जाऊ से चाकरी व्यवस्था सब कथार व्यवस्था करा जाऊ जेमिति से माने रास्ता कडरे छिड़ा न होबे एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा ए गुरुत्वपूर्ण कथा को आपण माने प्रचेष्टा करिवे ए कथार समाधान किभलि हबो कारण जने धर्म युद्ध रे महाभारत भली धर्म युद्ध रे से दिन श्रीखंडी मध्य भाग नहीं थिले माने थर्ड जेंडर मध्य भाग नहीं थिले समाज रे गोटे कथा एबे भी होइछि जने मन दुख रे थिबो ताकु आहुरी मन दुख करिया पे पांच जन कहे हाँ एमती है सेमती है जन को मन दुख एम करेंगे जे जे गाँव में घर रही चेषा करवस्था कर दे घर भी रही पारना ये सब आपण मैंने करूँ आपण मैंने जी आपण कथार यदि आपण अन्य को दुख कर मन को कष्ट आपण निहाती भाव भावतु यह जो पाप अर्जन करप द्वारा आप नरक को जी तेणु से भाई कार्य आपबी करूँ ना कापण निजर कथा द्वारा क्या कष्ट न दिंतु जमा से कथा करूँ ना तापर कौन आम देखा ना विचित्र वीर्य को जक्षमा रोग होला से जक्षमा रोग गोटे राजा जक्षमा थिला से जक्षमा रोग से मृत्युवरण कै से व्यासदेव को डकरा करागला व्यासदेव संजोगरे अंबिका अंबालिका प्रथम धूतराष्ट्र जन्म हेले तापरे जने जी जन्म हेले से कहीं जन्म हेले ना अंबालिका से भयभीत हो गले भीष्म जो व्यासदेव पाखक जावाकू से कथा को अधिक वर्णन अल्प अल्प सारी दूँ कि खाली आम प्रसंगे आलोचना करते से कौन कले ना एक दासी को पठेदेले जहाँफल जन्म नहीं विदुर एवं पुणी अंबालिका जीवा द्वारा पांडु जन्म हेले धूतराष्ट्र अंध होते आपण जानी पांडु रुग्णा थे एक आप जानी विदुर
किंतु महान ज्ञानी थिले, महान यशस्वी थिले, सेतिपई से मंत्री भाव रे थिले। महाभारतर कथा एई सब लोक तुंडरे सब रहिगलाणी। जो माने जानी नहांती, आपण जानिबे जो माने जानी नहांती सब कथा जानी नहांती, से माने जानिबो मध्य प्रचेष्टा करिवे। धृतराष्ट्र अंकर विवाह हब केमिति विवाह हब, एटी ही महाभारत युद्धर आरंभ होगला। देखु गोटे पटे श्रीखंडी गले, आउ गोटे पटे किए रहिले ना धृतराष्ट्र रहिले। गांधार देशर गांधार राजांकर कन्यांक सहित विवाहर करेबा, कंधार राजांकर कन्या बहुत सुंदर देखिया पाई थिले, तेणुकरी पितामह भीष्म जाइथिले प्रस्ताव नेकी विवाहर करिया पाई। आपण माने निजे कुंतु आपण भी हेले कि केबेले चाहिबे जिते धनीशाली होता ना कहीं निजर सुंदर झील को अंध बर सहित बांधिदेपी एक करेबी ना। ये गांधार देश राजांग पाखरे पहुँच जाइंट पितामह भीष्म। पितामह भीष्म आज कहते जे आपणकर कन्या को मु चाहूँ धृतराष्ट्र सहित बहर कराइवाई। हस्तिनापुर जो एत बड़ राज्य थिला एवं समस्ते भय करुले कहकुना पितामह भीष्म को भाविले जदि आम मना करमर अवस्था यह हम। धृतराष्ट्र सहित गांधार राजा तंकर कन्या को बहर करेले जहाँकर नाम है गांधारी। गांधारी धृतराष्ट्र बहला शहे पुत्र जन्म हेले। तापरे आसिले किए ना कुंती आसिले, ये हूँ किए कुंती कहीं आसिले ना पांडु सहित कुंती बहुत कुंतराजा पाखे थे। तो से कुंती पाखु जन्म होते युधिष्ठिर भीम अर्जुन एवं पांडुंर द्वितीय पत्नी थी किए ना माद्री। माद्री देश को जाते युद्ध करने युद्ध करने से जितापर तर कन्या सहित बहर करदे सुस्थ संपर्क स्थापन करेंगे। माद्री सहित बहला पांडु सहित, किंतु माद्री भाभी कि पांडु भाभी कुंती काले ग्रहण करी नहीं कि, किंतु कुंती से को हसी हसी की ग्रहण करी माद्री को भौणी भाव ग्रहण करते। माद्री ठार जन्म होते नकुल सहदेव। आपण जानिथिबे भावरे भागवतर कथा एभली एक कथा आमे सबु कथा को आलोचना करिकरि जिबा। ई गोटे पारिवारिक जीवनर कथा एवं ई होउछि वंशानुचरितर कथा। वर्तमान नवम स्कंदर कथा होउछि वंशानुचरित कथा। ए वंशानुचरित भितरे वर्तमान आमे पहुँचिगलि माद्रीक पाखरे पहुँचिगलि। माद्रीकर नकुल सहदेव जन्म हेले। सेठी मध्य आउ गोटे कथा रही कथा भितर बसिले आहुरी समय जीव। तेणु प्रिय सज्जन समय क्या अपेक्षा कैना आम आसंता का सका छिकार मैंने आरंभ करवा से वंशानुचरित्र टे टे आम कथा जानवा जो सब कथा आम टे टच करे। तेणु तापर युधिष्ठिर कथा आम शुणा, भीम अर्जुन नकुल कथा शुणा एवं एक शुणापर धीरे धीरे दशम स्कंद पाखे आसुची जोटी भगवान कृष्ण जन्म हे एवं जोटी चंद्र सूर्यवंशर कथा सरी त्रेता युगर सूर्यवंशर कथा सरला द्वापर युगरे चंद्रवंशर कथा आसब भगवान कृष्ण लीला हम से आनंद आम हजिजा से ही प्रेम हजिजा आम पारिवारिक जीवन को एवं आम निज जीवन को हसैवा एवं हसवा आनंद आम कही। श्री कृष्ण नंद लाला बाल गोपाला, 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 यशोदा नंदन मुरली वाला, यशोदा नंदन मुरली वाला, यशोदा नंदन मुरली वाला, यशोदा नंदन मुरली वाला, श्री कृष्ण नंद लाला बाल गोपाला, श्री कृष्ण नंद लाला बाल गोपाला, श्री कृष्ण नंद लाला बाल गोपाला, श्री कृष्ण नंद लाला बाल गोपाला।
एसोसिएट स्पोंसर साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभिंकु स्वास्थ्य सेवा जगाई दबा एनबीएफसी आईसीएल फिनकॉर्प लिमिटेड।